अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका तबीब हकीम मोहम्मद इसरार और आप इस वक्त देख रहे हैं YouTube चैनल अत्यार दारुल्ला। मोहतरम नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये मर्दों के अमराज में से एक मर्ज़ है, यानी टाइमिंग का नाम है, जल्दी फारग हो जाना। बहुत से नौजवान हजरात ने व्हाट्सएप के ऊपर और कमेंट किए हैं कि हकीम साहब इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। आज हम इसके मुतल्लिक बात करेंगे, इसके असबाब क्या हैं और इसका इलाज किस तरह किया जा सकता है, और एक बहुत ही अच्छा जो है नुस्खा आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, टाइमिंग का ना होना या कम होना, इसके बहुत से असबाब हैं। मिसाल के तौर पर गरम खुशक गज़ा अदविया अशिया कसरत से इस्तेमाल करना, जिससे जिस्म में गर्मी बढ़ जाती है, और मादा मनविया का पतला हो जाना जिससे वो जल्दी इखराज पा जाता है, या फिर कम उम्र की लड़कियों से हम बिस्तरी करने से भी, क्योंकि उनमें हरारत की बहुत ज़्यादती होती है जिससे ये मर्ज लाइक हो जाता है, या फिर कुव्वत मस का जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे अंदर एक कुव्वत मस का पैदा किया है जो नालियों को रोकती है, तो इसकी कमज़ोरी की वजह से भी ये मर्ज लाइक हो सकता है, या फिर कसरत मुबाशरत से भी ये मर्ज लाइक हो सकता है। मोहतरम नाजरीन, आज मैं जो नुस्खा पेश कर रहा हूँ ये बहुत ही मुजर्रब है, इसके खाने से बहुत ही टाइमिंग पैदा होगी, इमसाक बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। नुस्खा सुन लें। नुस्खा सुनने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल अत्यार दारुल्लाह पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ पर लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर तिब्बो सेहत के मुतल्लिक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मोहतरम नाजरीन, नुस्खा सुने। कुश्ता शिंगरफ 2 माशे, अफियून 2 माशे, और छुआरा जो है 5 बड़े छुआरे 5 अदब। छुआरों से पहले कुठली निकाल लें और अफियून और कुश्ता शिंगरफ को अच्छी तरह बारीक करके सफूफ तैयार कर लें, और उनको कुठली छुआरों के अंदर जो है जहाँ से गुठली निकाली है उसके अंदर डाल ऊपर से जो है बोड़ का दूध जो है वो डाल दें, और उसके ऊपर जो है दूसरा छुआरा रख दें, और इसको ऊपर आटे से बंद कर दें और भूबल के अंदर रख दें। जब आटा ऊपर जो लगा हुआ है वो सुरख हो जाए या जल जाए तो इसको निकाल लें, और इसको गर्म गर्म ही हवन दस्ते में बारीक कर लें और इसकी गोलियां बना लें। हम बिस्तरी से पहले 1 या 2 घंटे पहले इस दूध या चाय से इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला बहुत ही अमसाक पैदा होंगे, बहुत ही टाइमिंग होगी, और इसके साथ साथ ही मनी गाड़ी भी होगी, और इस ये नुस्खा जो है आपको बहुत ही खुश करेगा, बहुत ही मुजर्रबुल अमल है। आप बनाएं और हमें दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।